नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च की रात को जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी ने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया, एक ऐसे केस में जो दो साल से दुनिया भर की छानबीन कर रहे हैं, हमारे कई नेता जेल में हैं, उसके बावजूद भी एक नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो फैसला आया है उससे पता चला कि ऐसे अप्रूवर जिसकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है उसने 60 करोड़ रुपए रिश्वत दी है भारतीय जनता पार्टी को। एक साजिश है ये, और साजिश क्यों है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पूरे हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए काम किया है, आम जन के लिए सस्ती बिजली, अच्छा स्वास्थ्य का, अच्छे एजुकेशन का प्रबंध किया है, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की है, और उससे ऊपर पढ़ी लिखी कम्युनिटी लॉयर्स के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो वो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। हम लोगों को टर्म इंश्योरेंस दिया है, मेडिक्लेम पॉलिसी दी है, हम लोगों के लिए आपको ध्यान होगा हमारे चैम्बर्स में सब्सिडाइज रेट पे बिजली मिलती है, वो काम किसने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। वकीलों के ऊपर जब गोली चली थी 30,000 के अंदर, हम आपको मालूम है सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी, संसद में अगर कोई बोला था तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही बोले थे। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया है, लॉयर्स कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कल 12:30 बजे दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी कोर्ट में हम 12:30 बजे इकट्ठा होंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी और रोड पर भी अपनी आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।